इन दिनों शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के जेल जाने के कारण सुर्खियों में छाए हुए हैं। कई सेलिब्रिटी जहां आर्यन और किंग खान का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं अभिनेता रणवीर शौरी, जिन्हें उनके शानदार अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, उनका कहना है कि एंटरटेनमेंट जगत के सेलिब्रिटी एनसीबी के लिए इजी टारगेट हैं। वो तो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है यार, उसके बारे में क्या बात कर। नहीं, इट इज अनफॉर्चुनेट, क्या कहूँ, इट इज सैड, इट इज अनफॉर्चुनेट, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड। वो तो होता ही है यार, वो हर बार होता है, कुछ ना कुछ भी हो जाए तो आई मीन यू नो पीपल हु आर इन द पब्लिक आई आर ऑलवेज मोर सॉफ्ट टारगेट्स। अब सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था किसी आपके दूसरे कॉलीग जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया पे जो एक अननोन आदमी कह के निकल सकता है वो मैं कह के नहीं निकल सकता, बिकॉज मेरे पीछे यू नो आई विल बी सोशल मीडिया पे लिंचिंग हो जाएगी मेरी। बट आम आदमी उससे बदतर चीज़ें कह के निकल जाए अनोनिमस अकाउंट में, कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल, इफ यू आर इन द पब्लिक आई यू बिकम अ सॉफ्ट टारगेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। डू यू थिंक लास्ट वन ईयर सोशल मीडिया हैज टारगेटेड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आफ्टर वन इंसिडेंट? डू यू थिंक व्हिच इंसिडेंट? आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट। हां, सो सोशल मीडिया इज टारगेटिंग बॉलीवुड? यार सोशल मीडिया ऑल्सो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जितना आप समझते हो उतना क्लीन है नहीं। आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, यू नो आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, जिनके अपने एजेंडाज हैं वो यू नो फेक अकाउंट्स डलवा के कुछ भी बुलवा सकते हैं। सो कोई ऐसा आईटी सेल्स, तो कोई ऐसा प्योर ऐसा वो नहीं है कि हर ट्विटर अकाउंट जो है वो वाकई एक ऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ वहाँ अपना ओपिनियन दे रहा है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया भाई, इतना उसको क्लीन मत समझिए आप। दिग्गज अभिनेता ने यह बात अपनी अपकमिंग वेब सीरीज टब्बर के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान कही। गौरतलब है कि एनसीबी ने एक टिप के आधार पर मुंबई से गोवा जा रहे कार्डियाला द एम्प्रेस नाम के एक क्रूज पर छापा मारा था, जहां एक रेव पार्टी चल रही थी। छापे में प्रतिबंधित पदार्थ मिले, जिसके बाद आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। अब आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविवार को एनसीबी के दफ्तर में इन सभी से कई घंटों तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा शामिल है। वही रणवीर शौरी की सीरीज की बात करें तो यह थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज टब्बर 15 अक्टूबर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर प्रसारित होगी। इस सीरीज में सुप्रिया पाठक, पवन मल्होत्रा और रणवीर शौरी जैसे शानदार कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। INS रिपोर्ट।